सभी को गुड इवनिंग। सारे लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ जल्दी जल्दी, और सभी को लिंक शेयर करो। जल्दी से सभी लोग को लिंक शेयर करो, लाइक करो और अटेंडेंस बनाओ सब अपना अपना। सभी लोग वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सभी लोगों में लिंक को शेयर कर दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे। कल चूंकि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कल क्लास नहीं ले सके, तो कल क्लास ऑफ था। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ, लिंक को शेयर कर दो सभी लोगों में, वीडियो को लाइक कर दो, सभी जगह शेयर कर दो, फिर हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे। हालांकि हम लोग का आज कौन सा पांचवा क्लास है, ठीक है, लाइव प्रोसेस का पांचवा क्लास हम लोग का ये है। तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ, देर मत करो, सारे लोग जल्दी से आ जाओ, इन्फॉर्म कर दो, चूंकि आज मेरा खुद लेट हो गया है 5 मिनट 10 मिनट। तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ, सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, सभी को लिंक शेयर करो। 3 4 5 6 7 सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ो, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी में लिंक शेयर हो गया है। चलो तो अब जो है क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले क्लास कहां तक पढ़े थे, होमवर्क जो है, अच्छा कल तो होमवर्क नहीं आया था, ठीक है, कल होमवर्क दिए ही कहां थे, ठीक है। चलो सभी लोग आ गया है, राहुल ठीक है, शुभम आ गया है ठीक है, अंजलि, मुस्कान, रिया, सत्यम, अच्छा सत्यम ठीक है, मंटू सही ठीक है, प्रेम आ गया बहुत दिनों के बाद, प्रेम का दर्शन हुआ आज, चलो ठीक है, राहुल। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाओ, सभी को इन्फॉर्म करो, लिंक शेयर करो, लाइक करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी जल्दी करो, चलो ठीक है, सभी लोग ठीक है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम। तो कहां तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, कुछ याद वाद है? हम लोग लाइट का दो फंक्शन था इसके बारे में जाने थे, और एक हम लोग प्रैक्टिकल करे थे। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि बताओ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जल्दी से बताओ। अमित नहीं आया है अभी तक, अमित, सुमन, सौरभ सब नहीं है अभी तक, सभी लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। चलो लिंक सभी को शेयर कर दो। तो बताओ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जल्दी से बताओ सभी लोग, बताओ, टाइप करो, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सभी लोग लाइक करो, लाइक अभी तक सभी लोगों का नहीं हुआ है, इतना मेहनत से जो है लॉकडाउन में तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रात भर पीपीटी बनाते हैं, सुबह में पढ़ाते हैं, फिर भी तुम लोग लाइक नहीं करता है, लाइक में कमी करता है, ऐसे कैसे चलेगा। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, जो सब्सक्राइब नहीं किया है और भी लोगों से करवाओ, वीडियो को शेयर करो, खाली वीडियो देख करके चले जाता है। चलो हाँ, तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट। चलो ठीक है, सभी का जवाब सही है, ठीक है, सही जवाब। चलो तो पहले, इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिकल देखे थे कि क्या देखे थे प्रैक्टिकल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बहुत ही जरूरी है
फोटोसिंथेसिस कराने के लिए क्लोरोफिल बहुत ही जरूरी है। आज हम लोग जो है देखेंगे कि लाइट कैसे जरूरी है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जरूरी है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। हम लोग क्लोरोफिल देख लिए कि क्लोरोफिल कैसे जरूरी है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, इसका प्रैक्टिकल हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कल पिछले क्लास जो होमवर्क दिए थे वो सारा होमवर्क पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले वाले में जो भी दिया गया था होमवर्क ना, सारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, सारा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो तो हम लोग ये चीज पढ़ लिए थे, आज हम लोग को दो प्रैक्टिकल देखना है, लाइट का क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का। चलो स्टार्ट करा जाए, पहला हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। व्हाई लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कहां गया जी लाइट, लाइट आ जाओ, सनलाइट। चलो हाँ, तो सनलाइट क्यों जरूरी है उसके बारे में हम लोग को आज चर्चा करना है, उसको हम लोग को पढ़ना है। चलो तो सबसे पहले क्या है कि लाइट क्यों जरूरी है, देखो तो हमारा टॉपिक आज का पहला प्रैक्टिकल का टॉपिक क्या है कि टू सो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ तुम बना दिया था, चलो सभी लोग बना दिया था होमवर्क, ये चीज है मेरे पास में, ये हम लोग को शो करना है, ये शो करना है। तो पहला क्या है, टू सो दैट फोटो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे पहला जो मेरा रिक्वायरमेंट है क्या क्या हम लोग को अपर्टस चाहिए, क्या क्या हम लोग को चाहिए वो चीज हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो ये माउस क्यों नहीं काम कर रहा है, चलो ठीक है। हाँ तो सबसे पहले क्या है देख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या क्या मटेरियल हम लोगों को चाहिए। देखो सबसे पहले हम लोग को एक हेल्दी, ठीक है, पॉटेड प्लांट है, जो गमला में लगाया हुआ प्लांट है। उसके बाद एक वॉच ग्लास हम लोगों को चाहिए, एक वॉच ग्लास चाहिए जैसा कि देखते हैं हम लोग, ठीक है, वॉच ग्लास, इसमें भी वही चीज हम लोग को चाहिए। दूसरा मटेरियल क्या चाहिए, तो दूसरा मटेरियल हम लोग इसमें कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब चाहिए, क्या चाहिए, तो टेस्ट ट्यूब एक चाहिए हम लोगों को। दो बीकर चाहिए वाटर का, ठीक है, वाटर का दो बीकर चाहिए हम लोगों को। उसके बाद आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए हम लोगों को, आयोडीन का सोल्यूशन हम लोगों को चाहिए। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, सनलाइट के बारे में हम लोग जान रहे हैं, सनलाइट क्यों जरूरी है, सनलाइट क्यों जरूरी है उसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो क्या क्या मटेरियल चाहिए, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, ये शायद हुआ था क्या, ये प्रैक्टिकल कराए थे क्या, नहीं ये नहीं कराए थे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब चाहिए हम लोग को, ठीक है, टेस्ट ट्यूब चाहिए। दो बीकर वाटर चाहिए, वाटर से भरा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए हम लोग को। क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो अल्कोहल चाहिए हम लोग को, ठीक है, अल्कोहल हम लोग को चाहिए। उसके बाद हम लोग को ब्लैक पेपर चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, तो ब्लैक पेपर हम लोगों को चाहिए, ठीक है, ब्लैक पेपर हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि एक बर्नर ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, एक बर्नर ले लेना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग फोर्सेप ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से ट्राइपॉड स्टैंड, ये सब मटेरियल क्या क्या हम लोग को रिक्वायरमेंट है वो हम अभी दिखा रहा है तुम लोग को, ठीक है ना। उसके ड्रॉपर इस तरह से हम लोग को लगेगा, इसमें काम क्या क्या लैब में जाएगा, तो ये सब चीज चाहिए। सबसे पहले क्या प्रोसेस करेंगे, पहला एक गमला हम ना, एक हमला 24 घंटा के लिए डार्क रूम में इसको हम लोग को रख देना, 24 आवर के लिए इसको डार्क रूम में हम लोग इस तरह से छोड़ देंगे, डार्क रूम में इस तरह से हम लोग को रख देना है 24 आवर तक के लिए, ठीक है। स्टेप याद रखना, 24 आवर तक के लिए डार्क रूम में इसको छोड़ दिए, क्लियर है, कि वहां पर भोजन नहीं बना, उसका भी भोजन नहीं मिलेगा उसको। अब उसको लाना है और ब्लैक पेपर से किसी भी लिप्स में ब्लैक पेपर से इस तरह से हम लोग लगा देंगे, ब्लैक पेपर लेंगे और ब्लैक पेपर से लेने के बाद किसी भी लिप्स में कोई भी पत्ती को लेना और कोई भी पत्ती में इस तरह से ये पत्ती में या ये पत्ती में यहां पर ब्लैक पेपर हम लोग लगा देंगे। तो ब्लैक पेपर क्यों लगाएंगे, तो ब्लैक पेपर लगाने का ये हमारा कारण है कि यहां पर जैसे ब्लैक पेपर लगा देंगे क्यों, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, ठीक है, सनलाइट यहां पर नहीं पड़ेगा इसमें ब्लैक, इसीलिए ब्लैक पेपर इसमें लगा दिया गया है। चलो अब क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग लगाने के बाद जो है इसको 2 या 3 घंटे तक सनलाइट में छोड़ देंगे, कितना, तो आफ्टर 2-3 से 4 आवर तक के लिए सनलाइट में इसको छोड़ देना, कितना घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्लियर है, तक से करेंगे। अब इसको हम लोग को फिर स्पॉट को ले लेना है और लेने के बाद उसका एक पत्ती निकाल लेंगे और पत्ती निकालने के बाद वो जो पेपर था उस पेपर को हटा लेना है और इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे, किस चीज का टेस्ट करना है, फिर से स्टार्च का चेक करो, वही प्रोसेस
जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल के लिए, वही क्लोरोफिल का प्रोसेस यहां पर देखो, मतलब जहां पर हम लोग पत्ती लगाए हैं, ब्लैक पेपर जहां पर लगाए हैं उस जगह पर सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करा, और सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करा मतलब वही प्रोसेस जो कल करे थे वो आधा प्रोसेस यहां पर हम लोग को करना है। एल्कोहल में हम लोग इसको इस तरह से डाल देंगे, ठीक है, अल्कोहल में हम लोग इस तरह से डाल देना है, निकालेंगे फिर से वही हम लोगों को स्टार्च का टेस्ट, जहां जहां स्टार्च का टेस्ट बोले यही प्रोसेस हम लोग को लगाना। अब इसमें फिर से हम लोग क्या करें, आयोडीन का ड्रॉप हम लोग इसमें डालेंगे। तो जैसे ही आयोडीन का ड्रॉप हम लोग इसमें डालेंगे ना, तो हम लोग को कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, यहां पर गौर से देखो क्या देखने को मिल रहा है, कि ये वाला पार्ट को छोड़ करके जहां पर हम लोग ब्लैक पेपर कवर करे थे ना, ब्लैक पेपर कवर करे थे वो ब्लैक वाले को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस जगह पर स्टार्च नहीं बना। स्टार्च का ना चेक करते हैं आयोडीन वाले सॉल्यूशन से, जब यहां पर स्टार्च नहीं है तभी ना ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ, अगर कहीं स्टार्च प्रेजेंट होगा वहीं ब्लू ब्लैक कलर होगा, लेकिन यहां पर नहीं हुआ है, मतलब स्टार्च यहां पर नहीं है। और स्टार्च नहीं है का क्या मतलब है, कि वहां पर स्टार्च नहीं बना है, मतलब वहां पर उस जगह पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर ब्लैक पेपर या ब्लैक पेपर लगा दिए थे जिसके वजह से यहां पर सनलाइट नहीं पहुंच सका, और सनलाइट नहीं पहुंच सका यानी कि वहां पर क्लोरोफिल प्रोसेस नहीं हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए, हम लोग देख लिए बहुत ही जरूरी है, उसके अलावा सनलाइट भी चाहिए। सनलाइट नहीं मिलेगा तो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो बोलो क्लियर है, साउंड क्वालिटी में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा साउंड क्वालिटी में क्यों गड़बड़ हो रहा है, ठीक ही तो है, ठीक तो है, साउंड क्लियर है, आया समझ में किस तरह से जरूरी है, कैसे करना है, स्टेप आया समझ में, क्या क्या हम लोग करेंगे, क्या स्टेप हम लोग को फॉलो करना है। गमला ले लेना, गमला का हम क्या करेंगे, उसको डार्क में रख देंगे। डार्क में रखने का क्या मकसद, कि वहां पर 24 घंटे तक डार्क में रखेंगे, मतलब वहां पर भोजन अभी तक नहीं बना है, भोजन नहीं बना है मतलब उसको फूड नहीं मिला है। अब उसी को लेने के बाद हम लोग वहां पर ब्लैक पेपर उसमें लगा देंगे, एक पत्ती में ब्लैक पेपर लगाने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग रख देंगे धूप में कितने घंटे तक के लिए, 3 से 4 घंटे तक रख देंगे, मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। अब फोटोसिंथेसिस होगा मतलब एक पत्ती को निकाल लेना, पत्ती को निकालने के बाद उसका हम लोग स्टार्च का चेक करेंगे। अब जैसे स्टार्च का चेक करेंगे मतलब वहां पर अगर ब्लू ब्लैक हो गया है, मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो है ब्लू ब्लैक कलर हुआ, मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, जहां पर नहीं हुआ तो नहीं है, मतलब वो हमारा पता चल जाएगा। समझ गए सभी लोग, समझ में आ गया सभी लोग, और हाँ लिखो तो सारे लोग एक बार हाँ लिखो, समझ में आ गया ये प्रोसेस किस तरह से होता है। चलो उसके बाद अब आगे देखते हैं, और अगला प्रैक्टिकल हम लोग जाते जाते लास्ट में देख लेंगे। सभी लोगों को क्लियर हुआ ये, हाँ या ना मैं बता दो, सभी लोग एक बार हाँ लिखो फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये चीज हो गया था, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, ये सब हम लोग देख लिए थे। चलो एसिमिलेटरी पावर, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारा क्या है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या मैकेनिज्म है, अच्छा यहां पर क्या है मैकेनिज्म वर्ड का मतलब क्या समझता है, कोई बताओ मैकेनिज्म मतलब क्या समझता है। आज अमित नहीं आया है, अच्छा प्रेम आया तो फिर चले गया, मतलब अटेंडेंस बना दिया, दर्शन दे दिया फिर चले गया ना। ठीक है, अच्छी बात है। देखो बताओ मैकेनिज्म का मतलब क्या समझता है, को बताओ मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म। ये प्रैक्टिकल का एक्सप्लेनेशन तुम लोग को लिखना है, होमवर्क में है, अभी बता दिए हम, फिर मत बोलना नहीं बोले थे। बोलो क्या है मैकेनिज्म का मतलब क्या समझता है, कोई बताएगा मैकेनिज्म का मतलब, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब वही फॉर्मेशन। मैकेनिज्म का मतलब कोई बताएगा, नहीं फॉर्मेशन, बोलो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी। नहीं पता और लोग जल्दी से, चलो देखो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है।
कोई भी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो कि हम लोगों को ए से मिला क्या बी, क्या मिला ए से हम लोगों को मिल रहा है बी, चलो अच्छी बात है। तो अगर ये एक स्टेप में हो जा रहा है, बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है कि हम लोग को एक स्टेप में तुरंत नहीं मिलेगा, उस रिएक्शन को मिलने के लिए ए से लेकर बी जाने के लिए पहले ए से जाएगा क्या, पहले ए से जाएगा वो पहला एक रिएक्शन फॉलो करेगा, फिर वो दो रिएक्शन फॉलो करेगा, फिर वो तीसरा रिएक्शन जाएगा, फिर वो चौथा रिएक्शन जाएगा, फिर वो पांचवा रिएक्शन करेगा, तब जाकर फाइनली हम लोगों को बी मिलेगा। यानी कि ये जो स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्क्रिप्शन हो रहा है किसी भी रिएक्शन का, उसी को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को मैकेनिज्म कहेंगे, यानी कि द डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, मैकेनिज्म। कोई भी केमिकल रिएक्शन को ले लो, वो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन तुरंत हम लोग को एक स्टेप में मिल जाएगा, एक स्टेप में मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ को जाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा स्टेप से गुजरना पड़ता है। वो जो स्टेप है उसी को हम लोग बहुत सारा प्रोसेस होकर सही प्रोडक्ट, हाँ चलो, बहुत सारा प्रोसेस होकर के मतलब हम लोग को एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप, ये से फिर वो, फिर उससे फिर ये, फिर उससे ये, मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्क्रिप्शन को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया सभी लोगों को, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग इसी का, किसका, तो फोटोसिंथेसिस का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग जानेंगे कि पहले क्या करेगा। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें हम लोगों का ऑर्गेनिक फूड बनता है, क्या बनता है, तो ऑर्गेनिक फूड बनता है, और किस चीज से, इन ऑर्गेनिक मेटेरियल से, और इन ऑर्गेनिक मटेरियल बोले तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर वाटर, इन ये दोनों चीज इन ऑर्गेनिक मटेरियल है, और इन ऑर्गेनिक मटेरियल से हम लोगों को ऑर्गेनिक फूड मिलता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या है वो चीज हम बता दिए थे पिछले क्लास में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्या है कि जो नॉन लिविंग सोर्स से प्राप्त होगा वो हमारा कहलाएगा इनऑर्गेनिक, और जो लिविंग सोर्स से प्राप्त होगा वो हम लोग ऑर्गेनिक कहेंगे। क्लियर है सभी लोगों को, चलो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इसका अगर रिएक्शन अगर हम लोग देखने की बात करें तो कुछ ऐसा हम लोग तो सिंपल में लिख दिए, एक लाइन में हो गया, लेकिन क्या ये एक लाइन में हुआ है, नहीं, इसमें कुछ और प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लगा तब जाकर हम लोगों को ग्लूकोज मिला। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आखिर क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग को जानना है। हम लोग तो सिंपल लिख देते हैं कि CO2 और H2O लिया, और लेने के बाद क्लोरोफिल प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में बना दिया ग्लूकोज, लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें ये जो बीच में जो एरो का सिंबल है ना, यहां पर बहुत सारा स्टेप लगा और तब बना। तो कौन कौन सा स्टेप लगा, क्या इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का, कौन बताएगा, सबसे पहला फोटोसिंथेसिस का स्टेप कौन बताएगा, जल्दी बोलो, साउंड में वाइब्रेशन आ रहा है, अच्छा साउंड वाइब्रेशन, अच्छा एक मिनट देखें, अब ठीक है, चलो हाँ आप सही है। तो बताओ पहला प्रोसेस क्या, सभी लोग बताओ, हाँ ठीक हो गया, चलो ठीक है, अब बताओ जल्दी से बताओ कि पहला स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का, बताए थे इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहला क्या है, सभी लोग क्यों नहीं जवाब देता है, तुम लोग हैं, सभी लोगों को आंसर देना है ना, इससे यही पता चलता घर में तुम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। एक ही ने जवाब दिया, और लोगों को भी जवाब देना है ना,
नहीं पढ़ रहा है तुम लोग घर में, एकदम नहीं पढ़ रहा है। होमवर्क कैसे छाप छुप के दे देता है, बस हो गया। बताओ पहला प्रोसेस क्या होगा इसका, सारे लोगों को आंसर देना है, एक दोनों को नहीं, सभी लोग आंसर दो जल्दी जल्दी। पहला प्रोसेस, पहला स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का? नहीं पढ़ता है तुम लोग, देखो क्या है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसा बताया ठीक है, जैसा कि कुछ लोग बताया कि एब्जॉर्प्शन करेगा सनलाइट का, ठीक है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। उसके बाद क्या होगा कि यहां पर जो मेरे पास वाटर है वो वाटर का स्प्लिटिंग हो जाएगा, वाटर टूट जाता है। तो पहला स्टेप ये। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि देखो सबसे पहले क्या होगा कि ऑर्गेनिक जो है ना, जितना भी है ऑर्गेनिक फूड हम लोग का यहां पर प्रिपेयर हुआ, उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले जो है वाटर क्या करता है, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम व्हाट, ऑक्सीजन क्या करेगा वाटर से आता है। अब ये हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है, हाइड्रोजन वाटर का जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस करेगा। पहला काम क्या होगा, सनलाइट लिया और सनलाइट लेने के बाद उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन जो है वाटर से आएगा और हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है वो रिड्यूस कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। यह प्रोसेस हमारा चलता है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले वाटर हमारे पास में है, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करा और इस हाइड्रोजन वाटर को क्या कर देगा, तोड़ देगा, वाटर को क्या करता है, तोड़ देता है। अब क्लोरोफिल और सनलाइट किसके मदद से, सनलाइट के मदद से इसको तोड़ दिया, मतलब H2 और क्या होगा O2 वाले पार्ट में ये स्प्लिट हो गया, O2 वाले पार्ट में ये टूट जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि यही वाला जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन यहां पर लिया CO2 के साथ में कंबाइन करके एनर्जी क्या किया लेकर के वो बना दिया ये कार्बोहाइड्रेट, इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, इस कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लूकोज, बना दिया। तो यही तो स्टेप है, जो स्टेप हम लोग पिछले वाले में पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक हम लोग जान चुके हैं। क्या गलती हो गया, फोटोकेमिकल फेज हो गया, क्या लिख रहा है, गलती हो गया फोटोकेमिकल फेज होगा, कहां पर फोटोकेमिकल फेज होगा, किस जगह पर, फोटोलाइसिस इस, ठीक तो है। चलो तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या होगा। पहले फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है ऑर्गेनिक फूड बनाएगा किसके मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल में, कहां पर, एक ऐसा सेल यानी कि क्लोरोप्लास्ट में बनाएगा। हाँ एक क्वेश्चन था कि बोला समझ में हमको नहीं आया था कि वो जो ब्लैक ब्लैक जो डॉटेड वाला पार्ट जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन था वो किसी को शायद नहीं समझ में आया था, ठीक है ना। डॉट जो एक दूसरा वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे कि अगर हम लोग लीव्स को लेंगे और लीव्स को लेने के बाद माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक डॉटेड डॉटेड पार्ट जो है डार्क डार्क दिखेगा, वो क्या है, तो वो है क्या है, अगर लेंगे हम लोग ना तो डॉट पार्ट दिखता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट और उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का होता है। मंटू का ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब क्या है उसके बाद, अब हम लोग देखते हैं ये मैकेनिज्म इसका हो गया। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो स्टेप में होता है, यहां तक आ गया होगा सभी को मैकेनिज्म क्या है। पहले क्या करेगा, वाटर जो है वो टूट जाएगा, टूटने के बाद हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को देने के बाद वो बना देगा क्या, ठीक है, तो उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट बना देगा। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस आपका इन टू स्टेप, फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होता है। फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में होगा, तो दो स्टेप में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो पहला हमारा है फोटोकेमिकल, पहला हमारा क्या है फोटोकेमिकल स्टेप, और दूसरे वाले स्टेप को कहते हैं बायोकेमिकल स्टेप। फोटोकेमिकल स्टेप का मतलब फोटो, फोटो का मतलब लाइट, लाइट से ये केमिकल रिएक्शन करेगा, लाइट के मदद से केमिकल रिएक्शन करेगा, इसलिए इसको फोटोकेमिकल प्रोसेस हम लोग कहेंगे। दूसरा बायोकेमिकल, ठीक है, बायोलॉजिकली ये होगा हमारा, क्लियर है, यहां तक दो स्टेप में होगा। चलो तो फोटोकेमिकल स्टेप की हम लोग बात करेंगे, फोटोकेमिकल स्टेप की। तो पहला जो फोटोकेमिकल जो हमारे पास में स्टेप है इसी को फोटोकेमिकल फेज हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज कहेंगे। हाँ दूसरा सेकंड बायोकेमिकल, चलो सही है, हाँ ठीक है। तो पहला हमारे पास में फोटोकेमिकल फेज और दूसरा हमारे पास बायोकेमिकल फेज है, क्या है, बायोकेमिकल फेज है। बहुत लोग वही कर रहा है, अटेंडेंस बना ले रहा फिर चले जा रहा है। चलो
क्या है कि पहला मेरे पास फोटोकेमिकल फेज है और दूसरा मेरे पास में बायोकेमिकल फेज है, ठीक है ना। तो पहला फोटोकेमिकल फेज में आखिर होता है क्या, तो फोटोकेमिकल फेज में ही हमारे पास में जो वाटर है ना उसी वाटर का स्प्लिटिंग होता है। मेरे पास वाटर है H2O है, अब यही वाटर यानी H2O जो मेरे पास में है वो सनलाइट को ले लिया और यही सनलाइट टूट गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो एनर्जी जो रहेगा लाइट एनर्जी स्प्लिट कर देगा वाटर को दो कंपोनेंट में, वो दो कंपोनेंट हमारा होगा ऑक्सीजन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो आयन्स में रहेगा, हाइड्रोजन आयन में, और यहां पर चार इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा, इस तरह से चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा निकाल देगा, ठीक है। यहां पर रहने के लिए क्या चाहिए, ई OEC, क्या चाहिए OEC चाहिए। OEC का फुल फॉर्म है ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। यहां पर ECOEC का मतलब ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, ठीक है ना, कैल्सियम के प्रेजेंस में, क्लोरीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तो वाटर जो है वो टूट जाएगा ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, और चार इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन निकालेगा तो चार इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या है अगला, ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बोलो आया समझ में सभी लोगों पर, हाँ लिखो आया तो हाँ नहीं तो ना, सभी लोग लिखो एक बार आया तो हाँ नहीं तो ना। जल्दी करो, ये स्टेप आया समझ में, फोटोकेमिकल फेज स्टेप में क्या होता है। चलो राहुल है, मुस्कान है, ठीक है, मंटू का ये है ना आईडी, नया आईडी से है, चलो ठीक है, सत्यम है, शुभम दो दो आईडी से है, अच्छा एक ही है, ठीक है चलो शुभम, हाँ दो बार इसको आ गया समझ में। नीचे में ईबीसी क्यों लिखा, ये ईबीसी इसका फुल फॉर्म है OEC, ईबीसी नहीं ओबीसी नहीं है, ई होगा यहां पर, ठीक है ना, यहां पर ई होगा, ये ई है, बी नहीं है, ये ई है, ओईसी। ओईसी का फुल फॉर्म है मेरे पास में ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो बस इतना ही लोग है, ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। बाकी सब अटेंडेंस बना के चले गए, चलो ठीक, देखो ये क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग आते हैं, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। स्क्रीनशॉट ले लेना, हम हटे हुए होंगे ना, थोड़ा सा तो ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। हम आगे बढ़ते, अगला स्टेप मेरा है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। दूसरा स्टेप क्या करेगा कि एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन करेगा, और पिछले क्लास में बताए थे एसिमिलेटरी पावर आखिर किसे कहते हैं, ATP और प्लस ये वाला जो था इसी को हम लोग एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। पिछले क्लास में, पहले वाले क्लास में जाने थे, इसी को एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। ये जो बना मेरे पास ना ATP और NAD, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये pH होगा, PH2, तो इसको मिलाकर के एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। तो ये एसिमिलेटरी पावर कैसे बनता है उसका स्टेप अब हम लोगों को जानना है। ये सब सारा फोटोसिंथेसिस का ही है, ठीक है ना। चलो दूसरा अब स्टेप क्या है मेरे पास में, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। चलो ठीक है, एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी कि ATP और प्लस क्या है NH, ठीक है, NHD वो जो मेरे पास में था कॉम्प्लेक्स, उसका क्या फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो वहां से रिलीज हुआ था, इलेक्ट्रॉन जो चार इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, ध्यान से समझेगा, चार इलेक्ट्रॉन, हाँ ATP जो फॉर्म बनता है वही, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है फोटोलाइसिस के दौरान। अभी तुरंत पिछले वाले स्टेप में, अगले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि जब हमारे पास में वाटर होगा तो ऑक्सीजन वाले में H+ में, और चार इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकालेगा, तो यही चार इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास है ना, वही चार इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर चार इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकालेगा ना, वही क्या करेगा ना कि क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल दो टाइप का बताए थे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो ये जो क्लोरोफिल ए जो मेरे पास है, वही क्लोरोफिल ए जो है ना वो पिक कर लेगा, ले लेगा कौन सा, यही चार इलेक्ट्रॉन जो निकाला, ये निकाला वाटर के साथ में, यही चार इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल मेरा ले लिया,
क्लोरोफिल क्या कर लेगा, ले लेगा, चलो ठीक है। अब लेने के बाद क्या होगा कि ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ सन, क्या है, सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी, तो जैसे ही एनर्जी लेगा, अब क्लोरोफिल जो मेरे पास है वो क्लोरोफिल के पास में चार इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है। अब ये सनलाइट क्या क्या लिया है, क्या लिया, सनलाइट सोलर एनर्जी को लिया, और जैसे ही सोलर एनर्जी को लेगा ना, तो जितना भी प्लांट के जो पत्ती है ना, उस पत्ती में लीव्स में जितना भी क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जितना भी क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो लिया था ना, वो एनर्जी के साथ में सबको क्या कर देगा, फेंक देगा, ठीक है, थ्रो आउट कर देगा, ठीक है, विथ गेन ऑफ एनर्जी। जैसे ही एनर्जी लेगा क्लोरोफिल सनलाइट का, वो चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। अब क्या होगा कि ये जो एनर्जी के साथ में जो इलेक्ट्रॉन बना बाहर निकला ना, वही क्या हो जाएगा ना, कि वही फॉर्मेशन कर देगा एटीपी का, किस चीज का, एटीपी का, कैसे बनाएगा, एडीपी से, क्या, एडीपी मतलब एनिडोसाइन डाइफॉस्फेट, और कुछ क्या करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मेरा एनएडीपीएच, ठीक है, पीएच 3 था, वही मॉलिक्यूल ये हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और क्या एडीपी बन गया ना, इन्हीं दोनों को कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। पहले क्या करेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरो वाटर टूटा मेरा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल, मतलब चार इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, चार हाइड्रोजन H2 था, तो चार इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, वही चार इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ले लेगा, और ले लेने के बाद वो क्या करेगा कि जैसे एनर्जी को गेन करा, चार इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद वही क्या करेगा, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट कर दिया और कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बनाया, इसी को हम लोग कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। बोलो क्लियर हुआ सभी लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हुआ किस तरह से एसिमिलेटरी पावर फॉर्म होता है, बोलो आया समझ में एसिमिलेटरी पावर किस तरह से फॉर्म होगा। रिप्लाई करो सभी लोग, चलो ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ गए किस तरह से एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है। चलो अब क्या हुआ कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी, अब क्या करेगा ना कि जब कभी भी एटीपी मेरे पास में क्या है कि एटीपी एनिडोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, किससे बनेगा, तो एडीपी से बनता है, ठीक है ना, यहां पर डाइफॉस्फेट है मतलब दो ठो है डाय, और यहां पर ट्राई है मतलब तीन फॉस्फेट है। तो सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मतलब ये एनर्जी का फॉर्म के रूप में पाया जाता है, तो यही जो मेरे पास में क्या है एटीपी जो है सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, तो एटीपी का फॉर्मेशन फ्रॉम एडीपी से, ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, इसके प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, क्या कहते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या है फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, तो पूछ दिया एग्जाम में, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताओ फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी का मॉलिक्यूल एडीपी और कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया, फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए हम लोग क्या पीआई लिखे हैं, पाई, यहां पाई नहीं लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक और फॉस्फेट लिखा हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिखा हुआ, क्लियर हो रहा है ना, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया सभी लोगों को, कोई दिक्कत है, आया समझ में फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इसका रिएक्शन ये लिख सकते हैं, मेरे पास में एडीपी था, वही हमारे पास में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया और एनर्जी के लिए, एनर्जी लेने के बाद ये कंबाइन करके एटीपी बना दिया, हो गया एनिडो, क्या हो गया, एनिडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या था, एनिडोसाइन डाइफॉस्फेट। सभी को आया समझ में, समझ गए, हाँ, चलो ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, क्लियर हो गया, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये क्या होता है, बस याद रख लेना कि एडीपी है, एडीपी से एटीपी बनाता है, मतलब दो टो फॉस्फेट से तीन टो फॉस्फेट बना दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो दिया ना, तो यहाँ पर दो टो फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट ये दिया, तो तीन टो फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम,
चलो तो यहां तक जो है हम लोग ये टॉपिक कन्वर्ट क्लियर कर लिए, ठीक है ना, यहां तक हो गया सारा। देखो तो इसमें क्या है ना कि हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े वो सब सारा क्या था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग जाना है कि प्लांट किस तरह से फूड को कंज्यूम करेगा, ठीक है, सारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। यहां पर एक और प्रोसेस था वो हम नहीं बताए, ठीक है ना, बायो केमिकल प्रोसेस था वो नहीं बताया, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो, ठीक है ना, उसको हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं जो कि हायर क्लासेस में जाकर पड़ेगा। हालांकि ये सब भी तुम्हारे सिलेबस, ये सब जो था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो वो जो आगे हायर क्लास में पढ़ना ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं बताए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड नेम है केमिकल्स का, जो कि अभी समझ में हो सकता है नहीं आए, इसलिए उसको हम छोड़ दिए अभी, ठीक है। वो हालांकि सिलेबस में भी नहीं है बोला, वो आगे हायर क्लास में जाएंगे क्लास 11-12 में, तो बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है केल्विन साइकिल क्या होता है, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अगला टॉपिक हमारे पास में क्या आया, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक कह सकते हैं एक तरह से हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग का हो गया खत्म, अब हम लोग जानेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, हाँ लिखो एक बार, सभी लोग हाँ लिखो एक बार, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, सत्यम बहुत दिन के बाद आया है, सत्यम, सत्यम वर्मा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है, हमारा टॉपिक क्या है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना, कौन कौन क्लास कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, वो हमको सब यहाँ दिख रहा है, समझा, सारा हमको पता है, कौन कौन अटेंडेंस बना के जा रहा है और कौन कौन क्लास कर रहा है, सारा मेरे पास में है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि हम अटेंडेंस बना के सीधा चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा भैया को। चलो देखो तो क्या है, अब मेरे पास हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हम लोग करने वाले हैं, तो नाम से यहाँ पर क्लियर हो रहा है, देखो तो क्या है ना कि यहाँ पर नाम से क्लियर है हेटरो, तो हेटरो जो है वो क्या होता है, एक हेटरोस वर्ड से है जिसका मतलब होता है अदर, वहां पर ऑटो था, ऑटो का मतलब था सेल्फ, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हेटरो है, हेटरो का मतलब होता है अदर, और क्या हो गया ये जो हमारे पास में ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब होता है क्या, न्यूरिशमेंट, मतलब बनाना, सिंथेसिस करना, तो जो अदर से किसी दूसरे से क्या करेगा, भोजन को कंज्यूम करेगा, दूसरे से भोजन को कंज्यूम करेगा, तो हेटरोट्रॉपिक, हेटरो का मतलब अदर, खुद से नहीं अदर से, और ट्रॉपिक मतलब बनाना, सिंथेसिस करना, तो जो अपने से भोजन नहीं बनाएगा, किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा, किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा, किसी दूसरे से क्या करेगा, डिपेंड करेगा। देखो सबसे पहले क्या हो गया कि ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है हमारा वो ऑप्टेन करता है रेडीमेड फूड, वो खुद से नहीं बनाएगा, प्लांट जो यहां पर है वो प्लांट क्या किया ना कि वो प्लांट खुद से भोजन बनाया, अपने से भोजन प्रिपेयर किया, ठीक है ना, लेकिन यहां पर हम लोग खुद से नहीं बनाते, हम लोग किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे हम लोग प्लांट पर डिपेंड करते हैं या हम लोग किसी अदर एनिमल पर डिपेंड करते हैं, तो दूसरे दूसरे पर हम लोग डिपेंडेंट हैं, तो यहां पर हम लोग रेडीमेड फूड का यूज करते हैं, ठीक है ना, रेडीमेड पहले से बना हुआ फूड का यूज हम लोग करते हैं, तो इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, ठीक है ना, तो बाहर से हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करते हैं, बाहर से हम लोग लेते हैं रेडीमेड फूड, पहले से बना हुआ भोजन को हम लोग लेते हैं, लेकिन प्लांट वैसा नहीं करता, खुद से बनाता है, वो खुद से खाता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसी को हेटरो, हेटरो का मतलब अदर, अदर पर डिपेंड करना, क्लियर है ये टॉपिक। चलो अब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म मेरे पास है वो डिपेंड करता है आउटसाइड सोर्स से, किस चीज से, आउटसाइड सोर्स से वो ऑब्टेन करेगा और अपना जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो लेगा, सॉरी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो लेता है, इसी को कहते हैं हेटरोट्रॉप्स, तो जो ऐसा करेगा इसको हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉप्स, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से नहीं अदर से वो रेडीमेड फूड को कंज्यूम करेगा, दूसरे पर डिपेंड करेगा, इसको हम लोग हेटरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और
इस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हेटरोट्रॉप्स हो गया, क्लियर हो गया। तो ये जितना भी हेटरोट्रॉप्स रहता है उसको कंज्यूमर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। लेकिन प्लांट जो था ना वो प्रोड्यूस कर रहा था, प्लांट हमारा प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए इसको कहते हैं प्रोड्यूसर, इसलिए इसको कहते हैं प्रोड्यूसर, और हम लोग क्या कंज्यूमर हो गए, हम लोग क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। ये हम लोग फूड को जो प्लांट जो बनाया ना इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक फूड हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग कंज्यूमर हो गए। और ये सब जो है ना, ये सब क्या हो गया, प्लांट जो बना रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो कि तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहा है ये सब क्या क्या है। चलो अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं फूड चेन की तरह से यहां पर दिया गया। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि जितने भी चीज है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। देखो जैसे प्लांट लिया, तो प्लांट अपना भोजन बनाया, खुद से प्रिपेयर करा। अब प्लांट पर डिपेंड क्या है, इंसेक्ट वगैरह प्लांट पर डिपेंड करा, ये खुद से नहीं बनाया, किस दूसरे पर डिपेंड करा। ये फ्रॉग्स वगैरह हम लोग ले रहे हैं, ये सब एनिमल ले रहे हैं, ये खुद से नहीं बनाया, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। उसे स्नैक की बात करते, स्नैक खुद से भोजन नहीं बनाया, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। कोई ना कोई किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, कोई ना कोई किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी क्या है, इस पर डिपेंड है, ये खुद से नहीं बना रहा, दूसरे पर डिपेंड है। फिर फंगी वगैरह भी देख रहे हैं, फंगी वगैरह क्या हो गया, ये इस पर डिपेंडेंट हो गया। तो इसी तरह से सब लोग क्या है, डिपेंडेंट, ये इस पर डिपेंड, तो सब एक दूसरे से डिपेंड है, डिपेंडेंट है। वो अपने से नहीं बना रहा, रेडीमेड फूड पहले से जो बना हुआ भोजन है नेचर में, उसी भोजन को केवल ले रहा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, ये टॉपिक आ रहा समझ में। चलो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर भी देख सकते हैं हम लोग वाटर में भी चले जाएं, तो वाटर में भी वही प्रोसेस चल रहा है हमारा। तो वाटर में क्या देख रहे हैं कि ये सब भी अपना भोजन खुद से नहीं बना रहा, वो किसी दूसरे पर डिपेंड है। बड़ा मछली जो उससे छोटे वाले मछली पर, वो उससे छोटा वाला मछली उससे छोटे वाले मछली पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। देखो ये बड़ा फिश है, ये बड़ा वाला फिश ये इस छोटे वाले फिश पर डिपेंडेंट है, ये छोटा वाला फिश इस वाले फिश से डिपेंडेंट है, ये वाला इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, इसी तरह से ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये सनलाइट से भोजन अपना बना रहा। क्लियर हो रहा ना, तो किसी ना किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं। क्लास का टाइम जो है 4 बजे से 5 बजे, ठीक है ना, 10th का क्लास का जो समय है वो 4 बजे से 5 बजे है डेली, ठीक है, चलो संडे छोड़कर केवल। अगला टॉपिक हमारे पास में क्या है, तो अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हमारे पास है उसका क्या टाइप्स है, उसके टाइप्स की हम लोग बात करने वाले। जैसा कि हम लोग देखें ना, इसका क्या क्या टाइप्स है, ठीक है, टाइप्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, क्या क्या कौन कौन सा टाइप्स इसका हो गया। तो पहला टाइप्स हम लोग देखें तो हो गया सैप्रोफाइटिक, ठीक है ना, क्या हो गया, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग जान रहे हैं क्लास 6 में 7 में ये सब टॉपिक दिया हुआ है, सब पढ़ते आए तुम लोग, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ठीक है ना, पैरासाइटिक किसे कहते हैं, तो बताओ सैप्रोफाइटिक क्या होता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, आंसर बताओ जल्दी से। हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सैप्रोफाइटिक जो होता है किसे कहते हैं, किस टाइप का न्यूट्रिशन ये होता है, आंसर दो जल्दी से सभी लोग। सारे लोग आंसर दो, बताओ क्या होता है, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से काम चलाता है। चलो ठीक है, सही जवाब दिया, और लोग बताओ दूसरे शब्द में बताओ। हर्ष नहीं है आज, वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन बॉडी ऑफ अदर। चलो ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, और लोग बताओ
अमित भी नहीं है आज। सुमन भी नहीं है आज। सौरभ भी नहीं है आज। पैरासाइटिक जो इंटरनली और एक्सटर्नली होस्ट के बॉडी पर न्यूट्रिएंट ता है। चलो ठीक है, बॉडी ऑब्टेन फ्रॉम रेड। चलो सही, ठीक है, सभी लोग सही जवाब दिया, अच्छी बात है। चलो अब क्या है, इसी तरह जवाब देगा तो अपना पूछते रह जाते हैं, बताता ही नहीं है कोई। देखो क्या है, सबसे पहला हम लोगों को सैप्रोफाइटिक के बारे में हम लोगों को जानना है। देखो सैप्रोफाइटिक क्या होता है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि तुम लोग बताया यहां पर, देखो ये क्या है, मशरूम, ठीक है ना, फंगी वगैरह हो गया, यहां पर ये मशरूम हो गया, ठीक है, ये सब जो, तो इस तरह से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, इसमें क्या करेगा ना कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड, ठीक है, या कोई भी डेड या डिकेइंग पार्ट से अपने भोजन को लेता है, ठीक है ना। इट इज अ मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक टाइप है, एक पार्ट है, जिसमें फूड ऑब्टेंड करा जाता है ऑर्गेनिक रिमेन्स, जैसे कि डेड ऑर्गेनिज्म, जो मरा हुआ जो ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है ना, जानवर वगैरह मर जाता है, ठीक है, पत्ती जो गिरा हुआ है सारा ऑर्गेनिक ही है, ये जानवर जो वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, ठीक है, टूटा हुआ पत्ती भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, ठीक है, टूटा हुआ जो टहनी वगैरह हो गया वो सब हो गया, फूड आर्टिकल जो हम लोग फेंक दिए सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। बताएंगे अभी इसको, बताने दो ना, इसके बाद हम लोग जो एक बताएंगे, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं उसे बताएंगे अभी हम, ठीक है ना, वो भी बताएंगे इसके बाद है वो सब टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, टेंशन मत लो, समझा, कोई टॉपिक गैप नहीं करेंगे। देखो क्या है, तो क्या है ना कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो एक ऐसा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये सब आता है, ठीक है ना, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड या डिकेइंग मैटर से वो अपने भोजन को लेगा। डेड या डिकेइंग में ऑर्गेनिज्म जो मरा हुआ जानवर वगैरह फेंका हुआ हो गया, जैसे मान लो कोई भी जानवर मर गया, उसी जैसे जानवर फेंक दिया उसको, फेंकने के बाद वहां पर वो कंज्यूम करेगा उसको, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या, पत्ती टूट गया है, गिर गया है नीचे, गिरा हुआ, तो जो भी छोटा छोटा जो ऑर्गेनिज्म उसी से कंज्यूम करेगा उसको, डेड या डिकेइंग पार्ट से उसको खा लेगा, खत्म कर देगा, ठीक है ना, टूटा हुआ जो पट्टानी वगैरह हो गया, फूड आर्टिकल्स वगैरह फेंकते हैं, तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसी को हम लोग सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो इस चीज को लेता है, इस चीज को जो परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। चलो देखो जैसे एग्जांपल फंगी की बात कर सकते हैं, फंगी जो हमारा मशरूम जितना भी है वो सब सारा यही फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेड वगैरह में देख सकते हैं, ब्रेड गर्मी के सीजन में ब्रेड को छोड़ देना, ठीक है ना, पाव रोटी जो ब्रेड वगैरह, जो भी ब्रेड वगैरह, ऊपर में एक लेयर वगैरह चढ़ जाता है, वो लेयर छोटा 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 क्या लेयर जैसा रहता है, वही लेयर क्या है, मशरूम यानी फंगी हम लोग कह सकते हैं वो सब, ठीक है। देखो अब क्या हो गया, बैक्टीरियाज हो गया, ठीक है, कुछ कुछ एनिमल्स वगैरह भी हो गया, ये सब जो एनिमल्स हम लोग देख रहे हैं, ये सब जितना भी है सब सारा यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। क्लियर है सभी लोगों को, इसका डेफिनेशन स्क्रीनशॉट सभी लोगों को लेते रहना है, नोट्स बनाते रहना है सभी लोगों को, ठीक है ना। चलो अब देख सकते हैं यहां पर भी स्क्रीन में तुम लोगों को दिख रहा होगा फोटो, चलो ये मेरे पास में मशरूम दिख रहा है, ये भी क्या है, वही चीज करता है, यहां पर दिख रहा है ये प्लांट, कुछ कुछ ऐसा प्लांट भी होता है ना जो कि ये फॉलो को, ये इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, ये देख सकते हैं प्लांट है, ये भी देख सकते हैं प्लांट है, इसका नाम जो है, इसका नाम देखो यहां पर, ये इसका नाम दिया हुआ है, देखो कौन कौन सा प्लांट, तो प्लांट में जो है ना देखो न्यूटिया हो गया और मोनोट्रैपा हो गया, तो ये सब जो है ना यही चीज है इसका, ठीक है, ये और ये, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। चलो अब आगे हम बढ़ रहे हैं, इसका जो स्क्रीनशॉट लेते चलना है सभी लोगों को, वही बहुत सारा प्लांट वगैरह है, मशरूम्स वगैरह है, जो क्या करेगा, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। चलो अब ये कैसे करता है, इसका किस तरह से भोजन को कंज्यूम करेगा, किस तरह से भोजन को डाइजेस्ट कराता है, तो डाइजेस्ट कराने का इसका थोड़ा सा अलग ही तरीका है। देखो क्या होता है, तो ये क्या करता है ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म देखा, कोई भी फूड ऑर्गेनिक फूड को देखा ना, तो उस ऑर्गेनिक वाले फूड में एक एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर देता है, क्या करता है, एक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या करेगा कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उस पर डाल दिया, और जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस ऑर्गेनिक मटेरियल पर डालता है ना, तो डालने के बाद वो जो एंजाइम जो रहेगा वो ऑर्गेनिक मटेरियल को वो क्या करता है,
कंपोज कर देता है, उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स से वो सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, उसके बाद फिर वो कंज्यूम कर लेता है। हम लोग बॉडी के अंदर डाल के ना कंज्यूम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि भोजन को हम लोग ले लिए और हमारे अंदर जो है ना बॉडी के अंदर स्टोमक वगैरह में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स वाला सब्सटेंस छोटा 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 टूट में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये बाहर से अपने बॉडी से क्या करता है, कुछ इनऑर्गेनिक कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो बाहर निकाला और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तब जाकर उसको ले लिया। यहां पर देख सकते हैं मशरूम्स वगैरह जो है ना, यहां पर इसका जो रूट वगैरह, यही इसका रूट वगैरह होगा, ठीक है, यही इसका हो गया। तो यहां से क्या करेगा कि एक एंजाइम सीक्रेट करा, ध्यान से समझना, यहां से एंजाइम सीक्रेट करा, कोई भी ऑर्गेनिक फूड था, बाहर में डाइजेस्ट कर दिया और फिर उसको कंज्यूम करके ले लिया। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, किस तरह से करता है, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया है, ये बाहर में करता है, ठीक है ना, आउटसाइड, ये क्या करेगा, इसका डाइजेशन शरीर के बाहर में होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है। सभी लोगों को क्लियर है, सारे लोगों को क्लियर है ये टॉपिक। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंजाइम्स कुछ भी रहेगा, वो ऑर्गेनिक एंजाइम्स है, वो बॉडी के अंदर पाया जाता है ऑर्गेनिक एंजाइम्स है, ऑर्गेनिक एंजाइम से बॉडी के अंदर होता है, केमिकल रहता है वो सब, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स केमिकल रहता है, उसका नाम जो याद नहीं है अभी हमको, समझ गए, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब क्या है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है ना कि ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या करेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर वो रहेगा और उसी से अपना भोजन को लेगा, तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, फुलिस बाय ऑब्टेनिंग फूड कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म से, जैसे सपोज करो कि बहुत सारा देखा होगा, जैसे हम लोग इस फिगर में देखें तो और भी क्लियर समझ में आएगा, देखो ये सब जितना भी इंसेक्ट वगैरह हो गया वो किसी दूसरे के बॉडी पर रहेगा, उसी दूसरे के बॉडी पर वो अपना जो लाइफ व्यतीत करता है और वहीं से फूड को लेगा, जितना भी इंसेक्ट वगैरह देख रहे हैं किसी ना किसी दूसरे के बॉडी, जानवर वगैरह का जो बॉडी को अगर देखें ना, उसके बाल में छोटा 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 कुछ ना कुछ जो है इंसेक्ट वगैरह रहता है, ठीक है, छोटा छोटा इंसेक्ट, हमारे सर में भी जू वगैरह जो रहता है वो भी एक पैरासाइट ही हो गया, हमारे बॉडी से वो भोजन को लेता है, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ लत वगैरह है वो किसी दूसरे प्लांट में वो रह रहा है, उस प्लांट से वो भोजन को वो लेता है, तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है इसी को हाइटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर में आता है और इसको पैरासाइटिक कहते हैं, और जो रह रहा है उसको पैरासाइट कहते हैं और जिस पर रह रहा है उसको हम लोग होस्ट कहते हैं, जिस पर रह रहा है उसको हम लोग होस्ट कहते हैं, देख सकते हैं यहां पर, तो ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट, तो जो रह रहा है उसको पैरासाइट कहते हैं और जिस पर रह रहा है ना उसको हम लोग होस्ट कहते हैं, उस पर क्या कहते हैं, उसको होस्ट कहा जाता है, जिस पर, जैसे ये देख रहे हैं ये प्लांट तुम लोग को एक दिख रहा है, ये एक प्लांट तुम लोग को दिख रहा है, अब ये प्लांट में क्या है कि ये जो दिख रहा है लत वगैरह इसमें लगा हुआ है, पूरा क्लाइंबर्स वगैरह लत वगैरह इसमें लगा हुआ, तो ये क्या हो रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे क्या है, ये हो गया तुम्हारा पैरासाइट और प्लांट हो गया हमारा होस्ट, प्लांट क्या हो गया, होस्ट हो गया, ठीक है। अमरबेल भी पैरासाइट है, हाँ अमरबेल हो गया, कसकुटा हो गया, ये देखते हैं कसकुटा का प्लांट हो गया, अमरबेल कसकुटा ये सब सारा पैरासाइटिक है, सब पैरासाइट दूसरे पर रहता है उससे अपना भोजन को लेगा, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, दिख रहा है ना, ये पेड़ है, अब पेड़ में देखो ये जो दिख रहा है येलो येलो दिख रहा है, येलो येलो क्या लत है, ठीक है ना, येलो वगैरह लत है, ये सब इसी से भोजन प्राप्त करता है अपना, इसी को हम लोग पैरासाइट कहते हैं, जिस पर रहेगा ना उसको होस्ट कहेंगे, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, हाँ या ना में लिखते रहना है सभी लोग। अब टाइप्स ऑफ पैरासाइट की बात करते हैं, दो तरह का पैरासाइट हुआ करता है, पैरासाइट दो तरह का हुआ करता है, सभी लोगों को क्लियर है, यहां तक आया समझ में, समय भी हो रहा है, 5:05 हो गया है, हाँ ठीक है, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, उसके बाद वो अपना इससे भोजन प्राप्त किया, ये अपना इससे भोजन प्राप्त किया, चलो ठीक है। हाँ तो अब क्या है कि दो टाइप्स का पैरासाइट हुआ करता है, तो एक वाले को कहते हैं इंडो पैरासाइट, ठीक है, या इसको हम लोग इंटरनल पैरासाइट कहते हैं, इंटरनल पैरासाइट जो बॉडी के अंदर पाया जाएगा उसको हम लोग इंटरनल या तो इंडो पैरासाइट कहेंगे, और कुछ कुछ बॉडी के बाहर भी होता है जिसको हम लोग एक्सटर्नल
ठीक है ना, या एग्जो पैरासाइट कहते हैं। तो ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के इनसाइड में रहेगा, ठीक है, दोज पैरासाइट विच लिव इनसाइड द बॉडी, ठीक है, ऑफ होस्ट, कोई भी होस्ट के बॉडी के अंदर रहेगा। जैसा कि बताएं कि बॉडी के होस्ट पर रहेगा तो दो तरह से रह सकता है, या तो उसके अंदर रह सकता है या तो उसके बॉडी के बाहर में रह सकता है। तो अगर अंदर हो रहा है ना तो उसको हम लोग, जैसे हमारे पेट में, हमारे स्टमक में कभी कभी, ठीक है, हाँ ठीक है, इसके बाद एक्टोपैरासाइट वही हो गया, ठीक है ना। देखो तो यहां पर हमारे बॉडी के अंदर स्टमक में अगर रहता है ना, स्टमक देखो, स्टमक हमारे स्टमक में थोड़ा सा क्या होता है, ये जो है एस्कैरिस, ठीक है ना, ये सब हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, मतलब कह सकते हैं कि जब पेट वगैरह में कीड़ा हो जाता है ना, ठीक है ना, तो यही ये हो गया, तो ये भी हमारे बॉडी के अंदर है, मतलब इसको हम लोग इंडो पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है, या इंटरनल पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। ये सब जितना भी ये देख सकते हैं, ये वाला इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला जो इसका नाम हो गया टेप वॉर्म कहते हैं, इसको टेप वॉर्म कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, राउंड वॉर्म कहते हैं, हमारे स्टमक में पाया जाता है, चूंकि बॉडी हम लोग होस्ट हो गया, हमारे बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं, और हमारे बॉडी से वो भोजन को ले रहा है। क्लियर हो रहा है, जो बॉडी के अंदर होगा उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल, ठीक है, पैरासाइट या फिर इंडो पैरासाइट, और जो बॉडी के बाहर रहेगा उसको एक्सटर्नल कहेंगे। क्लियर है, फोटो दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। चलो अब क्या हो गया, एक्टो पैरासाइट या इसको हम लोग एक्सटर्नल पैरासाइट हम लोग कहते हैं, या एक्सो पैरासाइट भी कह सकते हैं। देखो क्या है एक्टो पैरासाइट में, तो एक्टो पैरासाइट में हम लोग क्या देखते हैं, या फिर हम लोग इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल पैरासाइट में क्या देखते हैं, कि हमारे बॉडी के बाहर वाले पार्ट में, जैसे सर में जू वगैरह पाया जाता है, वो क्या है, वो हमारा हो गया एक्सटर्नल पैरासाइट। जानवर के बॉडी में अगर देखेंगे तो जानवर के बॉडी में क्या होता है, छोटे 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 क्या होगा, एक इंसेक्ट पाया जाता है, वो क्या है, बॉडी के बाहर पाया जा रहा है, मतलब एक्टो पैरासाइट हो गया, उसके बॉडी से लेगा। मच्छर वगैरह की बात करते हैं, मच्छर भी क्या है, पैरासाइट के नेचर में आता है, वो पैरासाइट हमारे बॉडी के बाहर में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक्टो पैरासाइट। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को ना, चलो ठीक है। चलो वही इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, दोस पैरासाइट विच लिव ओवर द सरफेस ऑफ होस्ट, हमारे बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में ये पाया जाएगा, जिसको हम लोग एक्टो पैरासाइट कहते हैं, जैसे लीचेस हो गया, ठीक है, उसके बाद बेड बग हो गया, मॉस्किटोज हो गया, अमरबेल कॉस्कुटास वगैरह प्लांट में आ गए, तो ये हमारा एक्टो या फिर एक्सटर्नल पैरासाइट है। बोलो समझ में आ गया ना सभी लोगों को। उसके बाद हमारे पास में है, अब आया, ठीक है राहुल, अब आया होलोजोइक न्यूट्रिशन, किसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये अगले क्लास के लिए छोड़ते हैं, समझ में आ गया सभी लोगों को, सारे लोगों को समझ में आ गया क्या क्या किस तरह से हम लोग देखे हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये भी हमारा हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है, तो इसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये टॉपिक अब हम लोग अगले क्लास के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि समय भी जो है वो हो गया है, 5:10 हो गया है। तो सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर दो, अगर कोई ऐसा भी है जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे जब जब लाइव आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, जब जब वीडियो अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आज का क्लास इतना ही छोड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।